तो दोस्तों बाबर आजम की छुट्टी, शादाब खान बने टीम के नए कप्तान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी का क्या हुआ जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों पाकिस्तान टीम में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दोस्तों पाकिस्तान टीम का नया कप्तान शादाब खान को बना दिया गया है। वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2020 सीरीज होनी है, उसके लिए पीसीबी ने टीम का ऐलान कर दिया है। दोस्तों पीसीबी ने पाकिस्तान टीम से बाबर आजम की छुट्टी कर दी है। वहीं अब पाकिस्तान टीम के नए कप्तान शादाब खान को बनाया गया है। दोस्तों पीसीबी ने कप्तान के साथ साथ ही टीम के 15 सदस्यों का ऐलान किया है, लेकिन टीम की खास बात यह है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के साथ ही शाहीन शाह अफरीदी को 15 सदस्य टीम में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों जहां पाकिस्तान फैंस को लग रहा था कि कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को टीम से हमेशा के लिए छुट्टी कर दी गई है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दरअसल अफगानिस्तान के खिलाफ 2020 सीरीज से इन तीनों खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। ऐसा एशिया कप और सितंबर अक्टूबर में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इन तीनों सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है।